हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका. वेलकम बैक. आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे. एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म. तो आप लोग डिमांड कर रहे थे इस टॉपिक पर वीडियो, तो दिस इज़ फॉर यू गाइज. एंड डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसमें दो अपोजिट कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया गया है. जैसे एक प्रिंसिपल है आपका डेमोक्रेसी, राइट, और दूसरा प्रिंसिपल है सेंट्रलिज्म या सेंट्रलाइजेशन. दोनों जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं. और किस तरीके से मार्क्सिस्ट मेथड के रूप में इसे डेवलप किया गया है एज अ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, जहां पर ये दोनों दो अपोनेंट कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बनाई गई है टू ऑर्गेनाइज द पीपल्स या टू लेट द वर्किंग क्लास इन द रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी. तो जो वर्किंग क्लास के द्वारा रिवॉल्यूशन लाई जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया में बेस्ट मेथड क्या है लोगों को ऑर्गेनाइज करने का. तो इसमें जो मार्क्सिस्ट मेथड निकाला गया, जिसमें मार्क्सिस्ट थॉट को अप्लाई किया जा सके कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी और सेंट्रलिज्म दोनों को हम एज अ प्रिंसिपल लागू कर सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी के प्रेजेंट है और कौन कौन से फीचर हैं जो सेंट्रलिज्म के प्रेजेंट है. सो दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो ये निकाला गया है मेथड, तो ये किस तरीके से सर्व कर रहा है इनके इंटरेस्ट को. लास्ट में हम इसमें क्रिटिसिज्म करेंगे. तो सेम हमारा डिस्कशन का मेथड वही रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन, देन द जो कोर फीचर्स हैं इस डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के वो, एंड देन द क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे, और लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है डिस्कशन का. सो गाइज, लेक्चर को डिटेल में शुरू करने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. एंड डू कमेंट बिलो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो पे मुझे आपको लेक्चर चाहिए. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए. तो बात ये बेसिक इस स्लाइड का आपको आइडिया लग गया होगा कि कंटेक्स्ट क्या है, हम क्या समझने वाले हैं. सो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, ये एक प्रिंसिपल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम जो पॉलिसी डिस्कशन है उसमें मेंबर्स पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, राइट, किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे और फिर उन डिसीजंस का एग्जीक्यूशन कैसे होगा. और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म एक एप्लीकेशन ऑफ द मार्क्सिस्ट मेथड है. ओके, तो इंट्रोडक्शन की थोड़ी बहुत और बात करें तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस है या डिसिप्लिनरी पॉलिसी है अडॉप्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन. फिर सब्सिक्वेंटली इसे फॉलो किया गया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, देन अदर कम्युनिस्ट पार्टी इन अदर कंट्रीज. सो एट द 10th कांग्रेस ऑफ ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो 1921 में हुई थी, जो बोल्शेविक लीडर थे लेनिन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो पार्टी है ना, मतलब इस थॉट के बारे में, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बारे में, कि क्यों हमने डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को अडॉप्ट किया है. तो लेनिन का मानना था कि जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट अ डिबेटिंग सोसाइटी. पॉलिटिकल पार्टी क्या है? वैनगार्ड पार्टी है. मतलब ये एक डिबेटिंग सोसाइटी नहीं है कि जहाँ पर लोग आकर चारों तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं. ये क्या है? एक वैनगार्ड पार्टी है जिसका रोल होता है कि किस तरीके से जो रिवॉल्यूशन है उसको लीडरशिप प्रोवाइड करे और किस तरीके से एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करे, राइट. तो यहाँ पर ओपिनियंस हैं जो लोगों के व्यूज हैं, कुछ हद तक फ्रीली एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं, टॉलरेट किए जाते हैं कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, राइट. इट बट इट्स नॉट अ डिबेटिंग सोसाइटी या डिस्कशन सोसाइटी जहाँ पर बस डिस्कशन चल रहा है. कुछ हद तक कुछ ओपिनियंस या फ्रीली एक्सप्रेस किए जाते हैं या टॉलरेट किए जाते हैं, बट ओवरऑल लेनिन कहते हैं कि जो पार्टी होती है, इट इज़ अ वैनगार्ड जिसका रोल है, हुज रोल एज अ लीडर ऑफ द रिवॉल्यूशन, राइट, कि जो वर्किंग क्लास की रिवॉल्यूशन है उसको लीडरशिप प्रोवाइड करे. तो ये बेसिक, ये लेनिन का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर ऐड करना, जिन्होंने इसे यूज़ किया था डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को डिफाइन करने के लिए. तो इस तरीके से क्यों कहा गया कि क्यों हमने डेमोक्रेसी को भी अडॉप्ट किया है, क्यों सेंट्रलिज्म को अडॉप्ट किया, थोड़ा सा इसे देखते हैं.
तो ये माना गया कि जो अनरिस्ट्रेंड डिस्कशन है, अगर हमने पार्टी को डिबेटिंग सोसाइटी बना दी, अनरिस्ट्रेंड डिस्कशन हो रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रहे हैं, तो इस तरीके से डिसएग्रीमेंट आएंगे, फैक्शंस आएंगे, राइट, एक कन्फ्लिक्ट होगा और पार्टी जो है उसको एक्ट करने से रोकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार आपने जो लेजिस्लेचर है उसमें डिबेट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट से एक कॉमन कंक्लूजन तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें कोई कॉमन एग्रीमेंट तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जब कॉमन एग्रीमेंट तक नहीं पहुँच पाएंगे तो हम एक्शन कैसे करेंगे? तो जो लेनिन है उनका मानना था कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो जो पार्टी है ये इट्स नॉट अ डिबेटिंग सोसाइटी। लेनिन का मानना था कि अगर हम डिस्कशन को अनरिस्ट्रेंड कर देंगे, अनकंट्रोल्ड कर देंगे या सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होगा और इस तरीके से जो पार्टी है वो एक्शन नहीं ले पाएगी, डिसीजंस नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि क्यों कुछ हद तक जो व्यूज़ हैं उनको टॉलरेट करना चाहिए या फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्सोल्यूट कंट्रोल कर दोगे, पूरी तरीके से सेंट्रलिज्म कर दोगे, सेंट्रलाइज्ड कर दोगे, तो नए आइडियाज़ नहीं आएंगे, राइट, जो जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे फिर नए आइडियाज़ नहीं मिलेंगे। तो आप पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक भी नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, क्योंकि फिर एक्शन नहीं ले पाओगे, और ना ही पूरी तरीके से इसे सेंट्रलाइज्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो दोनों ही एक्सट्रीम नहीं किए जा सकते, ना तो ही हम कम्प्लीटली डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकते हैं, ना ही हम कम्प्लीटली सेंट्रलिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, दोनों प्रिंसिपल को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो जो हमारा एम है रिवॉल्यूशन को लाने का, वर्किंग क्लास को लीड करने का, उसको हम इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाएँ। गेटिंग इट? तो ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया आपको? सो देयरफॉर लेनिन कहते हैं कि फ्री डिस्कशन विद इन द पार्टी शुड बी टॉलरेटेड, इवन इंकरेज्ड अप टू द पॉइंट। सो लेनिन कहते हैं कि हमें पार्टी में फ्री डिस्कशन को कुछ हद तक टॉलरेट करना होगा, इवन कुछ अप टू द सम एक्सटेंट हमें इंकरेज भी करना होगा कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, फ्रीली एक्सप्रेस करें। बट एक बार जब वोट हो गया, डिसीज़न ले लिया गया, तो वहाँ पर डिस्कशन एंड हो जाएगा। अब जो डिसीज़न लिया गया है मेजॉरिटी के द्वारा, वो सभी पर बाइंडिंग होगा और लागू होगा, फिर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, और इस तरीके से जो पार्टी है वो इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगी। सो अगर हम अगर आपको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेनिन का कॉन्ट्रीब्यूशन या लेनिन का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आ गया होगा, तो हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को समझने के लिए, जहां पर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझेंगे और सेंट्रलिज्म के फीचर को समझेंगे, दोनों को अलग अलग, लास्ट में हम दोनों को कंबाइन करके समझेंगे। सो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बेसिकली कंबाइन टू अपोजिंग फॉर्म्स ऑफ द पार्टी। जैसे पार्टी लीडरशिप दो तरीके के फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, या तो एक डेमोक्रेसी और या तो सेंट्रलिज्म, दोनों तरीके। सेंट्रलिज्म मतलब कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं है, एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया। डेमोक्रेसी मतलब हर किसी को एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है प्रॉपरली, ओके? तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में ये दो अपोजिट फॉर्म्स ऑफ पार्टी लीडरशिप को कंबाइन किया गया है, जहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब होता है अलाउ फॉर फ्री एंड ओपन डिस्कशन, वेयर एज सेंट्रल कंट्रोल का मतलब होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन इंश्योर करना पार्टी में। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्बडीज टू एलिमेंट्स, डेमोक्रेसी एंड सेंट्रलिज्म। सो कम्युनिस्ट मस्ट अंडर डिटरमाइन द सिंथेसिस ऑफ दीज टू इनेबल्स देयर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कोहरेंट एंड डिसाइसिव लीडरशिप टू वर्किंग क्लास। और ये दोनों को कंबाइन इसीलिए किया गया है ताकि कम्युनिस्ट पार्टी जो एक्शन ले सके, एग्जीक्यूट कर सके अपने प्लान को, ओके? तो अब इसमें डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में जो डेमोक्रेटिक जो एस्पेक्ट है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, सो ये डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट जो है इसका, वो क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग का। इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है,
क्योंकि यहाँ पर हम जो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इनकरेज कर रहे हैं, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर टॉलरेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, जो माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू होंगे उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा और उनको जानने का मौका मिलेगा, और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगी या पीरियोडिक रिव्यू होगा डेलीगेटेड डिसीजंस का। डेलीगेटेड डिसीजंस जो यही डेलीबरेशन या डिबेट के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी है उनके व्यूज़ आ रहे हैं, उनको समझा जा रहा है, उनको इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि जो कलेक्टिव डिसीजंस मेड बाय मेजॉरिटी वोट, जो हम कलेक्टिव डिसीजंस लें वो फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, फ्रैंक डिस्कशन के साथ हुआ हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ हुआ हो, राइट। क्योंकि जब आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहे हो, सभी के जो व्यूज़ हैं, ओपिनियन हैं, उनको कंसीडर कर रहे हो, तो एक आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हो यहाँ पे, राइट। क्योंकि आपने जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं उसको समझ ली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके ओपिनियन से। ओके, तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर आपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिया है, जो फैक्ट है उनके आधार पर डिसीजन लिया, तो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ये हो गया। सेंट्रलिज्म दूसरा एस्पेक्ट है और जस्ट अपोजिट है डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट का। सेंट्रलिज्म क्या इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ द एक्शंस इन कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन। एक बार जब वोट ले लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेमोक्रेटिक डिस्कशंस एंड ऑल, तो फिर वो सब पर बाइंडिंग होगा और उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी होगा। अब इस जो डिसीजन लिया गया है मेजॉरिटी आधार के आधार पर, अब ये यूनिटी ऑफ एक्शंस को इंश्योर करेगा कि भाई हाँ, ये हमने ये डिसीजन ए लिया गया है, अब इसे ही इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के जो डिसीजंस हैं, जो फंक्शंस हैं, उनमें यूनिटी आएगी कि हाँ भाई, जो प्लान ए है इसे ही एग्जीक्यूट करना है, और प्लान ए को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी लेवल अपना अपना काम करेंगे, तो यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगी, क्योंकि सबका पर्पज़ एक ही है, प्लान ए को एग्जीक्यूट करना। ओके, सो सेंट्रलिज्म इंक्लूड्स लीडरशिप एट ऑल लेवल्स, समिंग अप द आइडियाज़ एंड जो एक्सपीरियंसेस ऑफ द मेंबरशिप। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि सेंट्रलिज्म एस्पेक्ट कैसे है। सो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या होता, और या तो अगर सिर्फ या तो सेंट्रलिज्म नहीं होता तो क्या होता, अगर सिर्फ एक को इंक्लूड किया गया होता तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। ओवरऑल यहाँ पर हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंबाइनिंग दीज टू अपोजिट फॉर्म्स ऑफ द पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्यों यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेंट्रलिज्म को अडॉप्ट किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम में, राइट। तो अब देखेंगे कि इट इज़ द यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेंट्रलिज्म दैट गाइड्स अस, जो कम्युनिस्ट पार्टी में है, तो हम इसकी इंटरडिपेंडेंस को समझते हैं। सो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो ये ग्रीन से हाईलाइटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, राइट, इनको जरूर मेंशन करना अपने आंसर राइटिंग में, कि विदाउट डेमोक्रेसी द लीडरशिप लैक्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अगर हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया होता, सिर्फ सेंट्रलिज्म को अडॉप्ट किया होता है, यहाँ पर ये नहीं होता, सिर्फ सेंट्रलिज्म होता तो क्या होता, कि जो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज़, वेरियस ओपिनियन, वो हम नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इनकरेज नहीं करोगे, तो आप तक आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस आप तक कैसे पहुंचेंगे। जो एक दो चार लोग सेंटर में सेंट्रलाइज्ड पार्टी में बैठे होंगे टॉप पे, वही डिसीजन ले लेंगे, तो वो क्या करेंगे, डिसीजन को नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। जो भी सेंट्रलाइज्ड तरीके से अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो भी बहुत ही नैरो स्कोप के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड है, दो चार लोग हैं। अब यही आप अगर 50 लोग शामिल कर ले रहे हो तो 50 डायमेंशन शामिल हो जा रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्कोप बड़ा हो जाता है, ब्रॉडर स्कोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास बेटर इन्फॉर्मेशन है, बेटर आइडियाज़ हैं, बेटर डाइवर्सिटी है, अब यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग आप लेंगे वो ज़्यादा बेटर होगी, इन्फॉर्म्ड होगी। ओके, और इस तरीके से नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द मासेस को आप इंक्लूड कर पाएंगे। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है
क्योंकि रिवॉल्यूशन में आपको सबका साथ चाहिए ना भाई। लोग आपका साथ सपोर्ट तभी देंगे जब उन्हें लगेगा कि हाँ उनका से है या उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज किया जा रहा है। ओके, सो लेनिन जैसा कहते हैं कि द एक्चुअल अनफोल्डिंग ऑफ द क्लास स्ट्रगल इज इन्फिनाइटली रिचर देन द मोस्ट एडवांस थ्योरी। डेमोक्रेसी मीन्स द टैपिंग द क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मेनी पीपल्स। लेनिन कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल को आप तभी अनफोल्ड कर सकते हो जब आप मल्टीपल डायमेंशंस मल्टीपल इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर रहे हो, और इस तरीके से जो बहुत सारे क्रिएटिव और एक्सपीरियंस पीपल्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू या इन्फॉर्मेशन को भी आप टैप कर रहे हो यहाँ पर। और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेटर जज कर सकती है कि रियल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो प्रोसेस जो एम हम अचीव करना चाह रहे हैं, और ये साइंटिफिक वे है। ओके, और तो ये इसलिए ज़रूरी था डेमोक्रेसी को इंक्लूड करना। सेकेंड है, अगर मान लीजिए हमने सेंट्रलिज्म नहीं अडॉप्ट किया होता, सिर्फ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया होता है यहाँ पर, जो हमने ये किया है यहाँ पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए डेमोक्रेसी है, दूसरा क्या है, सेंट्रलिज्म है। तो अगर हमने सिर्फ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया होता, सेंट्रलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया होता, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? सो ऑन दी अदर हैंड, विदाउट सेंट्रलिज्म द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टी मेम्बर्स एंड द मासेस वुड रिमेन स्कैटर्ड। तो अगर हमने सेंट्रलिज्म नहीं लिया होता, विदाउट सेंट्रलिज्म सिर्फ डेमोक्रेसी को लिया होता, तो क्या होगा, यहाँ पर जो 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 डिसीजंस लिए जाएंगे वो स्कैटर्ड होंगे, वो यूनिफाइड नहीं होंगे। और इस तरीके से जो जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, हम उसको मटेरियल फोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, फाइनल फॉर्म नहीं दे पाएंगे, या कुल मिलाकर हम एक्शन नहीं ले पाएंगे यहाँ पर। ओके, सो दस देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी विदाउट सेंट्रलिज्म एंड नो सेंट्रलिज्म विदाउट डेमोक्रेसी। सो कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में जो इन लोगों के जो जो मार्क्सिस्ट सपोर्टर हैं, जो कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं, उनका मानना है कि बेटर पार्टी ऑर्गेनाइज तभी की जा सकती है जब डेमोक्रेसी एंड सेंट्रलिज्म दोनों को हम अडॉप्ट कर पाएंगे तब। ओके, तो ये यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, मैप टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हो कि डेमोक्रेसी का मतलब जो फ्री एंड क्रिटिकल थिंकिंग या को एक मतलब इनकरेज करना। इसके बाद सेंट्रलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, जहाँ पर हमने देखा कि एक बार जब डिसीजन ले लिया गया तो उसे ही इम्प्लीमेंट करना है, अब यहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा, एक्शन पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पे डिसीजन हमने देखा था कि डेमोक्रेटिकली बनाया मतलब लिया गया है, क्योंकि आफ्टर डिस्कशन वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड किया गया है, और इस तरीके से आप ये टेबुलर फॉर्म बना सकते हो। सो दोज इन डिसएग्रीमेंट विद डिसीजन डू नॉट ब्लॉक या अंडरमाइन द इम्प्लीमेंटेशन। एक बार जब डिसीजन ले लिया गया है, तो सेंट्रलिस्ट एस्पेक्ट यहाँ पर क्या है कि अब अगर किसी कोई डिसएग्री भी करता है तो उसका प्रभाव इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं पड़ेगा, मतलब अब इम्प्लीमेंटेशन एज अ प्लान ए ही होगा। ओके, तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको ये चीज़ कि डेमोक्रेटिक एंड द सेंट्रलिस्ट प्रिंसिपल क्या है। तो अब इस अबव एनालिसिस से जो हमने ऊपर एनालिसिस की कि डेमोक्रेसी प्लस सेंट्रलिज्म का जो कॉम्बिनेशन है, इंटरडिपेंडेंस हमने जो समझा है, हम उससे कुछ नंबर ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। तो क्या निकाला कि एक पॉलिटिकल यूनिटी होगी। पॉलिटिकल यूनिटी कैसे? क्योंकि हमने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है, देन एक बार जब मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिया है तो प्लान ए के साथ ही जाएंगे। अब अगर कोई डिसएग्री करेगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्लान के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। ओके, सो यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिटी बहुत ज़रूरी है। सो अटेम्प्ट टू इन्फोर्स ऑर्गेनाइजेशनल कंसॉलिडेशन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी ऑन द बेसिक टास्क दैट कैन ओनली लीड टू स्प्लिट्स एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द ये जो सेक्ट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हमने पॉलिटिकल यूनिटी अचीव की। अब ये जो हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसका कंसॉलिडेशन हो गया यहाँ पर, मतलब एक तरीके से सबको लग रहा है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्नॉलेज किया गया है। सो यहाँ पे क्लासेस में आपको प्रोलिफरेशन या सब डिवीज़न देखने को नहीं मिलेगा। देन कैडर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डायलॉग बिटवीन
मेंबर्स एंड लीडर्स हो रहा है, या यू कैन से दैट द बेस एंड सेंटर हो रहा है, या पार्टी एंड मासेस हो रहा है, जो जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, वो एक तरीके से डायलॉग इस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में, मेंबर्स और लीडर्स के बीच में, या यू कैन से दैट जो बेस है और जो सेंटर पार्टी है उसके, या पार्टी और मासेस के बीच में. नेक्स्ट है पॉलिटिकल लीडरशिप. यहाँ पर एबिलिटी टू लीड, नॉट सिंपली कमांड. डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में हमने देखा कि जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हो, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को इंक्लूड करके डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप लीड कर रहे हैं, ना कि कमांड कर रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल ये डेमोक्रेसी वाला एस्पेक्ट नहीं होता, सिर्फ सेंट्रलिज्म का होता, तो यहाँ पर क्या होता, कमांड कर रहे होते आप. राइट, जब आपने सबको शामिल करके लिया है तो ये कमांड नहीं है, ये लीड कर रहे हो आप. ओके, सो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है, एबिलिटी टू लीड नॉट सिंपली कमांड. यहाँ पर सिंपली ये नहीं आ रहा है कि ऊपर से हायर अथॉरिटी से कमांड आ गया किस तरीके से प्लान ए को एग्जीक्यूट करना है, जो हमने पढ़ा भी. यहाँ पर प्लान ए पहले सबकी सहमति से, मेजोरिटी से डिसीजन लिया गया है, फिर प्लान ए को एग्जीक्यूट किया जा रहा है. तो यहाँ पे लीडर के पास क्या है, एबिलिटी टू लीड नॉट सिंपली कमांड. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ जाना चाहिए. तो अब थोड़ा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में. सो जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यहाँ पर आपका मेन जो फोकस है किसे कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी को. सो यहाँ पे मोनोलिथिक टेंडेंसी आ जा रही है, मतलब इट रन्स काउंटर टू द बेसिक व्यू ऑफ द डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. जो मार्क्सिस्ट थॉट में हमने ये देखने को मिला, देखा था हमने, कि यहाँ पे डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के आधार पर आइडियाज आ रहे हैं, या सोसाइटी ग्रो कर रही है, मैटर हमारा ग्रो कर रहा है, कि एक थेसिस, एक मान लीजिए थेसिस है, उसका काउंटर पार्ट एंटी थेसिस हो जाता है, देन दोनों का मिला के सिंथेसिस बनता है, ये सिंथेसिस फिर से एक नया थेसिस बन जाता है, फिर उसका एंटी थेसिस काउंटर पार्ट आएगा, देन फिर इस तरीके से सोसाइटी ग्रो करती है. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 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 डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, ये यूनिफॉर्मिटी पे फोकस करते हैं. बेसिकली किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी इस्टेब्लिश किया जाए, एक सेंट्रलाइज्ड वे पे पार्टी को चलाया जाए. देन पर्सनालिटी कल्ट्स, ये बहुत बड़ी वीकनेस है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म जो प्रिंसिपल है कम्युनिस्ट पार्टी का उसका, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर को एक तरीके से लोग पूजने लगते हैं, वर्शिप करने लगते हैं. सो पर्सनालिटी कल्ट क्या है, इट इज़ अ साइन ऑफ पॉलिटिकल वीकनेस, नॉट ए स्ट्रेंथ. इसके बाद से लैक ऑफ लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी. जब प्लान ए एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, प्लान ए डिसाइड हो गया, अब उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अब यहाँ पर लैक ऑफ लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी आपको. स्वाभाविक सी बात है, डेमोक्रेसी के साथ साथ सेंट्रलिज्म है, और जहाँ पर भी सेंट्रलिज्म होगा वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी. डिस्करेजमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिस्कशन इन द पार्टी लीड्स टू एन ओवर डिपेंडेंस ऑन द लीडरशिप. सो इसके बाद से लोगों की ओवर डिपेंडेंसी आ जाती है लीडरशिप पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिसकरेज किया गया है वंस द प्लान हैज़ बीन डिसाइडेड. जो आफ्टर मेजोरिटी के बाद जब डिसीजंस ले लिया गया, अब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. हमने देखा था ना कि जब एक बार डिसीजन ले लिया गया मेजोरिटी वोट के द्वारा, अब उसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट किया जाएगा. अब कोई अगर डिसएग्री कर रहा है तो फिर उसको अंडरमाइन नहीं करेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर. तो इस तरीके से ओवर डिपेंडेंस हो जाती है लीडरशिप पर वहाँ पर, जो ये सेंट्रलाइज्ड वाला कंसेप्ट है. तो यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है, सेंट्रलिज्म में भी है. तो क्रिटिसिज्म में ज़्यादातर क्रिटिसिज्म किया गया है इसके जो सेंट्रलिज्म एस्पेक्ट है उसको लेकर, ये लिख सकते हैं. सो अगर हम कंक्लूड करें आज के डिस्कशन को डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ये जो फैक्टर्स हमने वेरियस डिस्कस किए, सो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म ठीक है, अच्छा है, गुड है. और यहाँ पर जो प्राइमेसी ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन, फ्रिक्वेंट रीवैल्यूएशन, फुल सर्कुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन पे जब इसमें जोर दिया गया है, वो ठीक है वहाँ तक. राइट, सो ये मेथड को हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही जो ये शॉर्टकमिंग्स है अगर उनको हम दूर कर पाएँ और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दें जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डेवलप करने पे, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, या लोगों का जो री
इवैल्यूएशन है उसको इंक्लूड करने का। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रलिज्म के कंसेप्ट को थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देकर डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंट्रलाइजेशन की डिग्री को इंक्रीज कर देंगे राइट, और अथॉरिटी ऑफ लीडरशिप हो जाएगी, तो ये पॉलिटिकल ग्रोथ को रोक देगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं आएगी यहाँ पर, न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे अगर आप सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा कर रहे हैं तो, या लीडरशिप पर ओवर डिपेंडेंस है, तो पॉलिटिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है। तो लोगों जो कुछ एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि हमें क्या, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सॉलिड फाउंडेशन पर बेस्ड होना चाहिए, साइंटिफिक जनरल लाइन पे, जिससे कि पॉलिटिकल ग्रोथ होती रहे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता रहे अकॉर्डिंग टू द नीड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, इट वॉज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और एंड कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहाँ पर मुझे अपने डाउट्स या क्वेरीज मैसेज कर सकते हैं। एंड यस, वंस अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। देखो, शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग करने की से ही मेरी जो रीच है अदर स्टूडेंट तक पहुँच सकती है, जो इस चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। सो आपका सपोर्ट अगर मुझे यहाँ तक लेकर आया है, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आगे भी मुझे ये लेवल 2 तक भी लेकर जाएगा। और यस, फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट गाइज, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसे अदर स्टूडेंट्स के बीच पर भी सर्कुलेट करें। एंड आप सुपर थैंक्स का एक फीचर होगा इस वीडियो के नीचे, वो इनेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज सपोर्ट, कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी है। सो थैंक यू गाइज, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।